सॉरी, आपको लगी तो नहीं? लग गई, पूरे 200 रुपए की। 200 की क्या मतलब? पूरे 200 रुपए का सिरप तोड़ दिया तुमने मेरा। आंखों का अंधा तो मैंने सुना था, लेकिन ये इतना मोटा मोटा चश्मा मुंह पे लगा के फिरने वाला पहली दफा अंधा देखा है। जरा तभी से बात करें मोहतरमा, ये क्या अल्फाज यूज कर रही हैं आप? ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं नुकसान कर देने वालों के साथ। अरे जब चलना नहीं आता तो घर से क्यों निकल पड़ते हो? गई बात आगे। अजीब खातून है, गई बात आगे करके बात आगे बढ़ाई जा रही है। मैंने माजरत भी तो की है ना, हो गई गलती, सॉरी। अरे तुम्हारी माजरत से मेरा सिरप थोड़ी वापस आ जाएगा। ओह ये बात है, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। देखो अगर सॉरी से ये सिरप वापस आ जाता तो मैं जरूर एक्सेप्ट कर लेती तुम्हारी सॉरी। तो चाहती क्या हुआ तरमा, मेडिकल स्टोर से दोबारा जाके सिरप ले लो। ये तो मुझसे भी ज्यादा कंजूस लग रहा है, कैसे निकलवाऊं उससे 200 रुपए। बात सुनो, शराफत से जाओ और जाके मुझे ये सारी की सारी मेडिसिन्स लाके दो, समझ आई तुम्हें? वरना मैं यहाँ खड़े होकर शोर मचाऊंगी और कहूंगी कि ये चोर है, मेरा पर्स चोरी करके भाग रहा था। मैं आपको चोर नजर आता हूँ? लगता नहीं हूँ, लेकिन बनाने में थोड़ी सी देर लगेगी मुझे। चले आप ये कोशिश भी करके देख ले। क्या मतलब? मतलब ये कि अबे भागा। अरे और रुक रुक, ओ मोटे रुक बेटा, सबर। याद आएगा मुझे ये 200 रुपए का नुकसान। मैं भी जिंदगी में तू कभी मिला ना तो 200 के 2000 निकलवाऊंगी। तो मैं बात करूंगा कासिम से, मेरा दोस्त है, तुम्हारा कजन है, तुम्हारी बात समझेगा, हमारे प्यार को समझेगा। कासिम बेचारा खुद मजबूर है, उसके इतने अरमान थे कि वो बाहर जाके पढ़े, लेकिन घर वालों की खातिर उसने अपने सारी ख्वाहिशों को मार दिया। मैं कुछ भी करूंगा तो ये सब नहीं होने दूंगा। क्या करोगे तुम आयान? हाँ अगर आज हाशिम भाई जिंदा होते तो शायद ये सब नहीं होता। भी नहीं होगा, मैं नहीं होने दूंगा ऐसा, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। नहीं रह सकता महानूर। कौन है? ये और तुम एक ही होता है। ए, बात सुनो, मुझे ज्यादा इंग्लिश सिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोल सकती हूँ। ला दो। लाइक क्या दूँ? वही जो तुम यहाँ देने आए हो, मेरे सिरप के पैसे। देखो उस वक्त तुम इसलिए भागे थे ना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, मैं समझ सकती हूँ। चलो ला दो। ओ बीबी अपनी बातों में फुल स्टॉप लगाओ, मैं कोई पैसे देने नहीं आया, लेने आया हूँ। कहाँ है अनिल आंटी? अनिल आंटी, राना भाई आप? अम्मी तो घर पे नहीं है। अम्मी नहीं है मगर ये कौन है? इन्हें क्या दरवाजा खुले बंद करने के लिए रखा है? अबे ओ मोटे चश्मे वाले अंधे, मैं तुझे नौकरानी देख रही हूँ, जरा अपना मुंह संभाल के बात कर वरना अभी तुझे मैं यहीं पे समझने की जरूरत है। खैर छोड़े आप, कौन है ये, इनकी तारीफ क्या है? वो मेहमान है हमारे, कुछ दिनों में चले जाएंगे। कौन से मेहमान है? कोई मेहमान मेहमान नहीं है, ये हमारा घर है, हम यहीं पे रहते हैं और ये हमारी होने वाली भावज है, समझ आई? हाँ कोई भावज आवाज नहीं है, ऐसी ही पागल सी, आ जाए अंदर। तो है नहीं, तो आएंगे, आ जाएंगी। ये तुम अपने बैग लेते हैं नटकते हुए कहाँ चल रहे आ रहे हो? तुम्हें यहाँ कोई ऊपर खाली कमरा दिख रहा है? मेरा घर है, मेरा पोर्शन है, मेरी जहां मर्जी में रहूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे से तो नहीं निकाल रहा ना? तो मुझे ना निकाल भी नहीं सकते, ये मेरी भाभी का घर है। ये जो तुम्हारी भाभी है ना, ये भी मेरी किराएदार है,
बेहतर यही होगा कि खुद भी खामोशी से रहो और मुझे भी आराम करने दो। भाई गई बात आगे, साफ और सीधी बात है, हम एक गैर आदमी के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते। देख लो, नहीं रह सकती तो चली जाओ यहाँ से। बहुत ही नीट इंसान हो तुम, तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। एक काम करो, तुम ना ऊपर छत वाले कमरे में जाने जाओ, वो खाली है। वाह क्या अच्छा आइडिया दिया है, पर मैं कहीं नहीं जाने वाला, मेरा घर मेरी मर्जी, मैं जहाँ चाहे मर्जी वहीं रहूंगा। देखो मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम यहाँ से अभी और इसी वक्त अपने बैग समेत दफा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैं खूब जानती हूँ तुम्हारे यहाँ टिकने के बहाने। एक्सक्यूज मी, ना मैं कहीं जाऊंगा ना मेरा बैग। हाँ तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि सामने वाले कमरे में रह लूंगा। लो भैया गई बात आगे, अब ऐसे कैसे रह लोगे तुम यहाँ पर। देखो मैं ना खुद एक कुंवारी दोशीजा हूँ, मेरी बहन की और मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई, और देखो तनाई का अगर फायदा उठा के तुमने कुछ अकेले में उल्टा सीधा कर दिया तो। खुदा का खौफ करो बीबी, मैं एक शरीफ इंसान हूँ, अगर यकीन नहीं आता तो जाके मोहल्ले में पूछ लो, और अगर तब भी यकीन ना आए तो जाके गांव में मालूम कर लो। कभी किसी लड़की को बहन नहीं बनाया, मगर हमेशा बहन की नजरों से देखा है। और रही बात दोशीजाओं की, तो तुमसे ज्यादा खूबसूरत किरायेदार मेरे घर में रह के जा चुके हैं। बस 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 कर दो अपना ये शराफतनामा, बंद कर दो अब इसको। अगर इतनी शरीफ हो ना तो एक काम करो, अपने नाम के साथ शराफत को भी लगा लो, राना शराफतुल्ला। बड़ी अजीब हो, मेरी जो मर्जी अपने नाम के साथ लगाऊं। जाओ अपने कमरे में आराम करो, मुझे भी आराम करने दो। ऐसे कैसे रुकेगा अपनी आवाज, चल। अरे निकल, उठा अपना ये बैग और चलता बन यहाँ से। क्या बदतमीजी है ये, चल। ओ मेरा घर है, चल अपने कमरे में जाओ, वरना पुलिस को बुला लूंगा। दिमाग खराब, हद है। बेटा मीटिंग तो अच्छी नहीं, लेकिन ये जो आदमी है ना, ये मुझे टेढ़ा लगता है बहुत। कम ऑन डैड, सॉरी टू से, मैंने दुनिया में आपसे टेढ़ा इंसान अभी तक नहीं देखा। और आप उसके लिए ये बात कह रहे हैं? वैसे बेटा एक बात तो है, कितना ख्याल रखता है तू मेरा, मेरा दिल है तू, यकीन कर, बड़ा तो देख रहा अपने भाई को। कभी जिंदगी में ऐसे कोई खुशी नहीं थी मुझे, कभी भाग जाता था, बचपन में भी दो दफा भागा, सारी जिंदगी भागता ही रहेगा ये बच्चा। आज ही भागा हूं, बड़ी मुश्किल से मिला था। हे बाबा, आप भी यही समझें कि आपका एक ही बेटा है और वो मैं हूं। खबरदार अगर तू यहां इस किस्म की कोई बात की ना, तो तेरी जबान गुद्दी से खींच दूंगा मैं, मुंह से बात ना निकालना ऐसी तुम। रेहान आ जाओ बेटा। बेटे क्या है, तुझे अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहा है? तुम्हारी उम्र के बच्चे दुनिया में ऐशी करते फिरते हैं, पार्टियां करते हैं, घूमते फिरते हैं, और तुम एक बुढ़े आदमी की शक्ल लगती है तेरी, मुझे जो तासुरात है ना तेरे, लगता है जिंदगी से बेजार है तू। अब अपने भाई को ही देखो ना बेटा, देखो अपने भाई को, सारी दुनिया में घूमता है, कारोबार करता है मेरे साथ, और जिंदगी को एंजॉय भी कर रहा है। तुझे क्या तकलीफ है बेटा? डैड मैं आयान हूं, अरमान नहीं हूं। मुझे किसी के साथ कंपेयर मत किया करें, और हां मुझे अपनी फिक्र है, क्योंकि मेरी फिक्र किसी और को नहीं है। क्यों परवाह नहीं है बेटा तेरी, है? क्यों परवाह नहीं है? हम सबको परवाह थे, तू मुझे बोल, जो तू कह रहा है मैं कर दूंगा, बता। अम्मी के जाने के बाद मेरी जिंदगी में खुशी की लहर आई है, जिसे मैं थामे रखना चाहता हूं।
मगर वो मेरे हाथों से निकली जा रही है, इसीलिए उदास हूं मैं। देख बता दूं मैं तुझे, तेरी खुशी के लिए दुनिया दर से उधर कर दूंगा मैं, मगर तुझे ला के दूंगा तेरी खुशी, बोल। जी नहीं, मुझे आपकी खुशी देने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है। चलता हूं मैं। अयान, अयान, अरे जब खुद कमानी पड़ेगी ना कमाई, फिर पता चलेगा बाप ने कितनी कितनी मेहनत की है, कुर्बानियां दी है। बात करता है, भाग गया। अब तुझे क्या हुआ बेटा? क्या डैड, वो जितना आपको डिग्रेड करता है ना, आप उतना उसके पीछे खींचे चले जाते हैं। और मैं जो आपको दिल से मोहब्बत करता हूं, हाँ, मुझे कोई अहमियत ही नहीं देते। मैंने आपसे हमेशा मोहब्बत की, आपके अच्छे बुरे हर वक्त में मैं आपके साथ एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा रहा, और आज आप मुझे कोई अहमियत ही नहीं दे रहे। पता है डैड, हम उससे नहीं आयान से मोहब्बत करते हैं, बल्कि आप मेरे नहीं आयान के डैड हैं। मेरे नहीं, ऐसा नहीं है अरमान बेटे, तुझे मैं क्या बताऊं, मेरी बन्नू का बेटा है। देखिए आंटी, आप मोहल्ले में पूछ ली चाहे कहीं भी पूछ ले, ऐसे नहीं होता कि आप दो का कराया दें और चार लोग रहे। ए, बात सुन भाई, कहां से लाए तुम भाई ये उसूल? हम भी बड़ा किराए पे रहे हैं, कहीं भी ऐसा नहीं होता। और हमें नन्ना काका मत समझना तुम। हाँ आंटी, इन दोनों को चुप करा ले, मैं आपसे बात करूं, इनसे नहीं। चुप, हम नहीं आंटी होंगी, क्योंकि हम हैं लड़के वाले और यह है हमारी समधन। समझिए तो उठाए बोरिया बेसर, उठा के ले जाए बाहर, निकाल रहा मैं सबको घर से। राहत, तुम मुझे बात करने दोगी? क्यों, बकवास बंद कर लो जरा। देखो राणा, मेरी बात सुनो, मैंने जो तुमसे बात की थी ना, मैं उसी पर कायम हूं। भाई ये लोग तो वक्ती तौर पर यहां रह रहे हैं, कुछ टाइम के बाद ये लोग चले जाएंगे यहां से। लो भैया, गई बात आगे। आंटी तुम्हें जरा सा भी डर नहीं है हमें निकालते हुए? हम तुम्हारी बेटी की नंदे हैं। आंटी अभी मैं अपने भाई को फोन करूंगी ना, तो तुम इस घर में क्या मोहल्ले के किसी घर में नहीं रह पाओगी, लाशें बिछा देगा वो, लाशें। तुम दोनों ना हमें से खुलेआम धमकी नहीं दे सकते, हम डरते थोड़ी है। ये क्या भाई भाई लगा रखा है? कौन है ये भाई? भाई है कि डॉन? अरे बस क्या बताऊं, कोई भी भाई हो, इस वक्त तो फंसे हुए हम है ना। राणा तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, इस वक्त तो हमारी मजबूरी को समझ। हुआ क्या समझू मजबूरी में आंटी आपकी? राणा तुम इधर इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात सुनो। खूब तुम राणा इस वक्त ना मेरी मजबूरी समझो, इस बात को यही रफा दफा कर दो, यूं समझो कि एक मुसीबत मेरे गले पड़ गई है, मैं जैसे तैसे कर। My God, I'm so sorry, Sana. Yeah, no. It's totally understandable. You just informed the clients that you won't be able to come to the court because of the family issues. Yeah. I'm sure they'll understand. You don't worry, okay? You take care of yourself. Okay. Bye. Hi. Bye. Hi. Aap kaun? लो बाजी, ये हमसे पूछ रही है कि हम कौन है, हमारी तारीफ तो जमाना करता है। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पे हमारी बहन के घर में क्या कर रही हो? लेकिन एक बात है, कसम से क्या फर अंग्रेजी बोल रही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कोई ना अंग्रेजी में खबरनामा सुन रही हूँ। बताओ ना कौन हो तुम?
आई एम मारिया। लो गई बात आगे। अम्मा भी की कोई बहन मारिया नाम की। लगता है अब्बा मियां ने कहीं छुप छुपा के दूसरी शादी की थी, उसकी बेटी है। नो, आई एम मिसेस अजीम, अजीम की वाइफ हूँ मैं। है क्या, अजीम भाई की वाइफ? अरे भाई वो तो हमारी हुसन आरा, मम्मी मेरा मतलब है कि वो तो हुसन आरा से उसकी शादी होनी थी ना। हेमंत, मुझे तो सदमा लग गया है कि वो हुसन आरा का क्या होगा। ठीक है, नहीं बात है। अजीम ना मुझे बचपन से बहुत पसंद था, यकीन करो मैं तो उस पर फिदा थी फिदा। और ये अगर हुसन आरा की मोहब्बत को मैं ना देखती ना, यकीन मानो मैंने हुसन आरा की मोहब्बत पे अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया और कुछ नहीं। बट हु आर यू गाइस, आप कौन हैं? हम दोनों ना राश्ताबाजी की फर्स्ट कजन्स हैं। ओह, नाउ आई रिमेम्बर, बताया था उन्होंने मुझे। आप लोग बैठे, आई कॉल हर। श्योर। ओ बहन, ये लग रहा है मुझे कोई बाहर से आई है और अजीम कोई बाहर की मेम को फंसा के यहाँ लेकर आ गया है। हाय हुसन आरा, तेरी तो गई बात आगे। चलो, अंग्रेजी माहौल हो गया इनके घर का। ऐसे बाजी तुम बहुत पलटी नहीं मारी, कभी साबिर कभी अजीम, क्या चल रही है तुम्हारे दिमाग में? चुप हो जा, तुझे नहीं पता। अभी तो मुझे इसकी परेशानी है। तो तुम अजीम को हम सबसे दूर ले जा रही हो? हमें एक ना एक दिन तो जाना ही था ना। रुक भी तो सकते हो, जितना रुक सकते थे उतना रुक लिया। अब हमें वापस अपने घर जाना है। यही अजीम का घर है, वो इस घर का बेटा है। ये उनका घर था, वो इस घर के बेटे हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ही इज माई हस्बैंड और दो बच्चों के बाप भी हैं। वो वहां सबसे दूर खुश नहीं रहेगा। तो खुश थे और खुश रहेंगे। दूर रह के खुशियां खत्म नहीं होती और ना ही मोहब्बत, लेकिन दुनिया गम बढ़ा देती हैं और दुख भी देती हैं। कभी कभी दूर रहना ही बेहतर होता है। अपनों से दूर रह के कभी किसी का भला हुआ है क्या? हम उसके अपने हैं उस नारा, हम भी तो उसके अपने ही हैं। फिर क्यों ले जा रही हो उसे हमसे दूर? मैं नहीं ले जा रही, डेस्टिनी दूर कर रही है। रुक जाओ तुम भी। नहीं रुक सकती मैं, तुम्हें तंग नहीं करूंगी। हमारे जाने की वजह तुम नहीं हो उस नारा। फिर क्या है? हमारा फ्यूचर, वो हमारा सहारा है। और मेरा भी। फैसला बदल दो। नहीं बदल सकती। साबिर बेटा, मैं ये सोच रही थी कि कुछ घर में रंग रोगन करवा लें। बावर्ची खाने की हालत तो बहुत बुरी हो रही है और अलमारियां तो बदलनी ही पड़ेंगी। साबिर बेटा, किन सोचों में हो? नहीं अम्मा, भी बस कुछ घबराहट सी हो रही है, समझ नहीं आ रहा। लेकिन ठीक है, जो आपको बेहतर लगता है वो कर लें। क्या हुआ अबू, आपने दवाई खाई थी टाइम पर? हाँ, दवा तो मैंने खुद खिला दी थी। फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ, कोई समझ लें। सच बताओ तो मेरा अब इस घर में दिल नहीं लगता। हर तरफ आशीन दिखाई देता,
कभी सीढ़ियों से उतरता हुआ। कभी लॉन में खेलता हुआ, कभी इन सोफों पर बैठा हुआ। इस घर में उसकी इतनी सारी यादें हैं कि उसका गम भूल नहीं पा रही हूँ। ठीक कह रही है अम्मी, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। ये घर आशिम के बगैर काटने को दौड़ता। हर जगह हर कोने में बस उसी की सूरत नजर आती है। अपने आप को संभालो साबिर। क्या हुआ अबू, तबीयत ठीक है आपकी? बस ही दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, सांस नहीं आ रहा। चलें डॉक्टर के पास चलें। उठे बेटा, शमीम और अजीम को भी अपने साथ ले जाओ ना, बुलाओ उनको। नहीं, हम अभी परेशान मत करें, बस हम लोग क्या आ जाते हैं। अजीम को भी अपने साथ ले जाओ ना, बुलाओ उनको, मैं भी आऊँ साथ में। नहीं अम्मी, नहीं ऐसे ही अकेले, शमीम को ले जाओ ना साथ में। नहीं अम्मा, अभी मैं लेकर आ जाऊंगा। मेरे बेटे को सेहत दे। देखिए भाई, आपके पास रजिस्टर्ड होने का मकसद मेरा सिर्फ ये था कि आप मुझे झटपट कोई नौकरी बता देंगे। जी जी, बहुत नाम सुना था मैंने आपका, कह दें कि आप मजाक कर रहे हैं। अरे वही तो, आपका और मेरा मजाक कहाँ है। एक काम करें, आप मेरे इस नंबर पे मुझे फौरन लोकेशन भेज दें, मैं कल 5 बजे इंशाल्लाह लोकेशन को फॉलो करते हुए पहुंच जाऊंगी। अच्छा चले, खुदा हाफिज़। आपने क्या मुझे समझाया, आपके एक हुक्म पर मैं आपके 5-स्टार होटल भागी दौड़ी चली आऊंगी। बोले आपकी, बहुत नाम है मेरा, मैं आपके एक बुलाने पे एकदम तो नहीं आ सकती। अरे भाई, 5-स्टार होटल है तो मैं क्या करूं, मैं पहले आऊंगी, होटल देखूंगी, वहां का एनवायरमेंट देखूंगी, अगर मैं सेटिस्फाई होंगी देन मैं आपके यहाँ जॉब करूंगी, अदरवाइज नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज। कौन था होटल पे बुला रहा है, कोई डेट वेट है क्या? तौबा तौबा, हम जैसी शरीफ लड़कियां डेट वेट पे नहीं जाती। 5-स्टार होटल से कॉल आई थी, मुझे ऑफर कर रहे थे। लड़कियां, किस चीज की ऑफर? अपने होटल में ना बतौर शेफ बुला रहे हैं मुझे, इसके कॉल पे इतनी मिन्नतें कर रहे थे। शेफ, तुम्हें तो ठीक से आलू उबालना नहीं आते, शेफ बनोगी तुम? चलो, अभी तुमने देखा ही कहाँ है मेरा अंडे और आलू उबालना। तुम तो बस सिर्फ दूसरों का खून उबाल सकती हो। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, कहीं जलवल तो नहीं गई मेरी जॉब का सुन के? अरे भाई, जलना कैसा, बस मुझे हैरत हो रही है कि इतनी जल्दी तुम्हें इतने बड़े शहर में इतनी आसानी से नौकरी कैसे मिल गई। बस भैया, ये सब तो आमालों का फल है, वो कहते हैं ना जैसे कर्म होते हैं समर भी वैसे ही मिलते हैं। खैर अब ऐसा भी नहीं है। ओहो, मैं भी किस काम से आई थी और तुम्हारे साथ बातें बनाने बैठ गई। अब वो जरा अपनी चार्जिंग केबल तो दे दो, सी टाइप वाली, मेरा फोन ऑफ पड़ा हुआ है, चार्ज करना है। बस इतनी सी बात थी, मैंने सोचा पता नहीं क्या कोई बहुत कुछ बड़ा मुझसे मांगने आ गई, मैं ही घबरा गई। उफ, लेके आती हूँ तुम्हारा चार्जर। होटल पे बुला रहे हैं शेफ। ये और शेफ बनेंगी, वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा तो आप एक काम करें, 12 दर्जन लाल गुलाब भेज दे और बाकी के गेंदे के फूल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। शमीम, साबे भाई को हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल? क्यों, क्या हुआ उन्हें? ये तो डॉक्टर ही बता सकता है। कौन से हॉस्पिटल लेकर गए, मैं जाता हूँ वहां। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन काफी देर के निकले हुए वो लोग। और तुम मुझे अभी बता रही हो, अजीब औरत हो यार। अरे मैं आई थी आपको बताने के लिए, आप नमाज पढ़ रहे थे इसलिए वापस चली गई। और वैसे भी आप अम्मा भी को जानते हैं, वो थोड़ा जल्दी परेशान हो जाती, हो सकता है उनकी तबीयत इतनी खराब ना हुई हो।
बस उनका ख्याल रखने में लग गई थी इसलिए आपको बताना भूल गई। तुमसे जो पूछा गया ना उसका जवाब दो, खामखा छपर छपर करने की कोई जरूरत नहीं। हाथ होती है नहीं, अम्मा के बारे में जरा नहीं सुन सकते। मेरे घर वाले मेरी जिंदगी का फैसला करेंगे। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम्हें मेरे घर रिश्ता लेके आना पड़ेगा। वो भी ले आऊंगा, अभी ये रिंग पहन लो। नहीं, मैं ये रिंग तभी पहनूंगी जब घर वालों की रजामंदी और उनकी दुआएं हमारे साथ होगी। मेरा दिल रखने के लिए पहन लो। तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं फैमिली वैल्यूज नहीं भूल सकती। हाँ हेलो, हाँ कैसा है मेरा साबिर? अच्छा चलो वापस आ जाओ जल्दी खैर से। अच्छा बेटा खुदा हाफिज। अरे अम्मा भी क्या बात है, इस साबिर भाई की तबीयत और नासाज हो गई, मैं जरा हॉस्पिटल जाकर चेक करता हूँ। नहीं बेटा जाने की जरूरत नहीं है, वो अभी उसको लेकर आ रहे हैं, अल्लाह ने करम किया है। अभी हुआ क्या? पता नहीं बच्चे, पता है नहीं। चलिए मैं चेक करता हूं। जी साबिर भाई सब खैरियत? अच्छा अच्छा जी जी इंशाल्लाह आप बस खैरियत से पहुंचे, हम इंतजार कर रहे हैं। जी शुक्र है, आप फिक्र ना करें, मैं भी खामोखा अपनी तबीयत खराब ना करें। अल्लाह का शुक्र है, मालिक तेरा बहुत शुक्र है। शमीम तुमसे बात करनी थी। जी अब देखो अजीम वापस जा रहा है, पता नहीं मेरी जिंदगी में उससे दोबारा मुलाकात हो सकेगी कि नहीं। आप भी कैसी बातें कर रही हैं, खामखा इन वसवसों में क्यों पड़ रही है? अरे अच्छा सोचें अच्छा बोलें। मैं चाहती हूँ कि अजीम के होते हम कासिम और मानूर की मंगनी करते हैं। इतनी जल्दी? मेरा मतलब है हाशिम का गम तो अभी भी ताजा है और हम खुशियाँ कैसे मना लें? मसलहत के तहत कह रही हूँ बेटा, बस सादगी से कर देंगे मंगनी, घर घर के लोग होंगे, बाहर से किसी को नहीं बुलाएंगे। और साबिर भाई क्या मान जाएंगे? मान गया है, मैं बात कर चुकी हूँ उससे। अब देखो ना अजीम दो बार तो अपनी सीट बदलवा चुका है, अब नहीं रुकेगा। और फिर उसकी बीवी
वो अपने दफ्तर का काम यहाँ से कर रही है, उसके लिए भी तो मुश्किल है ना। हम अभी दरअसल मैं भी यही चाहता था, क्योंकि मुझे भी काफी शिकायतें सुनने को मिली हैं। क्या मतलब? मैंने आपसे कुछ कहा नहीं क्योंकि मैं जानता था आप खफा हो जाएंगी, लेकिन अम्मा भी आप तो जानती हैं आजकल के बच्चे, अब ना चाहे उन्हें कैसी तरबियत मिले, वो बस वही करते हैं जो आप समझ रही है ना। अब देखें उसका ये जो शर्माती है मुझे। देखो बेटा, कभी कभी माँ बाप को बेटियों की वजह से ये वक्त देखना पड़ जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारी और जहाँरा की तरबियत में कोई कमी है, लेकिन बेटा ये ज़माना बहुत ख़राब है और वो तो अभी बच्ची है, उसने कहाँ देखे हैं ज़माने के रंग। और बेटा अगर ये ज़माने के रंग एक दफ़ा चढ़ गए ना, तो तुम बहुत पछताओगे। बेहतर है कि मेरी बात मान लो और उसकी मंगनी कर दो। वो खुदा के लिए मुझ पे रहम करें। आप सबकी खुशी की खातिर अगर मैं मानूर से मंगनी कर भी लूं तो शादी के बाद हम दोनों कुछ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम दोनों ही कजन्स मैरिज के खिलाफ हैं और एक दूसरे को बहन भाई समझते हैं। क्यों नहीं समझ रहे आप? बेटा तेरी माँ और मैं भी जब हमारी शादी हुई थी दोनों भी कजन ही थे ना, हम दोनों के ध्यान और तस्वुर में दूर दूर तक नहीं था, लेकिन आज माशाल्लाह इतने साल हो गए, हम खुश हैं, हम अच्छे जी रहे हैं। देखो पहले मैंने तुम्हें माजबीन के लिए कहा था, तुमने मना कर दिया, ठीक है कोई वजह थी भी, लेकिन अब मैं मानूर के लिए कह रहा हूं ना, उसमें क्या बुराई है बताओ। अबू मैं आपको कैसे समझाऊं? देखिए आप दोनों की जिंदगी में कोई और नहीं था इसलिए आप लोग एडजस्ट कर गए, लेकिन यहां सीन कुछ और है। मतलब तुम्हारी जिंदगी में या उसकी जिंदगी में? अबू समझदार के लिए इशारा काफी है, बात की गहराई में मत जाएं, बस मामले की नजाकत को समझें और इस फैसले से दूर हो जाएं। इस फैसले से आप किसी एक की नहीं बल्कि चार लोगों की जिंदगियां बर्बाद करेंगे। चार? चार कौन? वो इतने सवाल क्यों कर रहे हैं आप? बस इतना समझ लें कि ये शादी नहीं बर्बादी होगी, मेरी भी और मानूर की भी। और बर्बाद औलाद को देखकर ना तो आप खुश रह पाएंगे और ना ही घर वाले, और ना ही हम दोनों खुश होंगे। देखिए अबू, रिश्ता बनकर टूटेगा ना तो ज्यादा तकलीफ होगी, बेहतर यही है कि जबरदस्ती का रिश्ता मत जोड़ें और हमें हमारी जिंदगी हमारी मर्जी से जीने दें। अबू प्लीज, खुदा के लिए अबू रहम करें मुझ पर और महानूर पर प्लीज। ए उमा मियाँ, इतनी दूर से आया ट्रैवल करके, यार कोई लिफ्ट शिफ्ट तो कराओ, बहुत हसीन लग रही है यकीन करो। आपके लिए तो तैयार हो रही हूँ मलिक साहब। इतनी खूबसूरत लग रही, मेरे लिए झूठ बोल रही हो। मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ जाओ बेटा, तेरा अपना घर है, कर लूँ काय को करता है, बोल। I think इसको पैसे चाहिए होंगे। तेरे बैलेंस में है पैसे यार, कम पड़ गए तो 30-40 लाख 50 लाख डलवा दूँ। पैसे नहीं चाहिए मुझे। अच्छा पैसे नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? फिर मुझे आपसे बात करनी है लेकिन अकेले में। आप देख ले, इसकी इन्हीं साजिशों की वजह से मेरे और आपके बीच में लड़ाई होती है, क्या करेगा? मेरी और मेरे बेटे की शिकायतें लगानी होंगी इसने। आप हर बात को खुद से क्यों जोड़ लेती हैं? मेरी अपनी बात भी हो सकती है प्राइवेट, जो आपके सामने नहीं करना चाहता मैं। तो
तुम्हारा तो यही काम है, तुम मुझसे और मेरे बेटे से जलते हो। अरे हुआ, तुम जाके चाय लेके आओ, चलो चाय बना के लाओ, चलो उमा जाओ ना। हाँ बेटा बोल, चली गई ना, बोल। डैड वो बात है कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई, मैं शादी करना चाहता हूँ। मेरे बेटे को लड़की पसंद है, इधर आ यार। और दिल खुश कर दिया मेरी जॉब का टुकड़ा, शादी करेगा। अरे मुझे तो पता ही नहीं था तू तो वाकई शादी के लायक हो गया है। ठहर जा, मैं इंतजाम करता हूँ। मुबारक आज रात आई। डैड लिसन टू मी, इस घर में ना कोई किसी से सीधे से बात ही नहीं कर सकता। हाय हैंडसम, मुझसे कुछ कहा आपने? क्यों, आपको यकीन नहीं आ रहा कि मैंने आपको हैंडसम कहा है? अम्मी अंदर हैं। मैं अम्मी से नहीं, उनके बेटे से मिलने आई हूँ। क्यों? आपको पता है हम बचपन में साथ खेला करते थे और बाजी बता रही है कि तुम ना मेरी गुड़िया लेकर भाग जाया करते थे, फिर मैं बहुत रोती थी, फिर तुम मुझे मनाने के लिए ना मुर्गा बनकर दिखाते थे। सीरियसली, मैं ऐसी ऊटपटांग हरकतें करता था? यकीन नहीं मुझे इस बात पे। तो यकीन कर लीजिए ना, क्योंकि आपकी बचपन की साथी आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। मलिक साहब, मुबारक आज का दिन रात आई। कुछ तो ख्याल करें अपनी। डैड, मैंने आपसे कहा था मेरी प्राइवेट बात है, मगर आप मेरी बात सुनते ही कहा है। सुनता हूँ यार, बोलता क्या कहना है। अरे वाह भाई, आज तो कमरे में सब इकट्ठे हैं और माहौल भी काफी खुशगवार लग रहे हैं। अरे भाई, अयान ने अपने लिए लड़की पसंद कर ली। रियली? ये तो बड़ी खुशी की खबर है। कौन है भाई, कहाँ रहती है? अभी तो हमने बेटा चेक करना है उसका बैकग्राउंड, फैमिली, बिजनेस स्टेटस क्या है। देखो भाई, बिजनेस जो भी हो, लेकिन हमारे मुकाबले के लोग होने चाहिए। लोअर क्लास में लड़की पसंद कर ली तो रिश्तेदारी का मजा नहीं आएगा, क्यों मॉम? बिल्कुल सही कह रहे। डैड, मैंने आपसे कहा भी था मुझे अकेले में बात करनी है आपसे, लेकिन कोई फायदा नहीं आ सकता। अरे बात तो सुन, कहा जा रहा है अयान? अयान कहा जा रहा है यार? डैड, ऐसे क्या हो गया? और खुशियां मना लो, इसका तो कभी भी मूड हमसे अच्छा नहीं होता, कभी भी आराम से बात नहीं करता। अरे जा यार, जाके पता कर क्या कह रहा है यार ये। ठीक है डैड, मैं भी पता करके आता हूँ। क्या पता करता, रुक जा, बात सुन। अपने घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है, ये फैमिली मैटर्स है, हम सेंसिटिव होते हैं भाई, दूर रह तू इन चीजों। हाँ बाय। जहान हाल में ये बिजनेस करना है और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अब्बा मियाँ, अब्बू और ताया अब्बू को मना लूं। शायद घर के बाकी लोगों को मनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ताया अब्बू से मुझे पूरी उम्मीद है, वो मेरी बात मान जाएंगे। उनको भी अच्छा लगेगा कि उनके बेटे की ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। मुझे अभी बस ये सोचकर ही इत्मीनान हो रहा है कि मैं हाशिम के लिए कुछ करने जा रही। वैसे बड़ी बात है कि आप इतना बड़ा स्टेप लेने का फैसला कर चुके हो।
क्योंकि मैं ग्रीन हूं।